हेलो नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, विभागीय परीक्षा को लेकर और मानदेय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इसमें सरकार ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को डबल मानदेय दिया जाएगा। तो डबल मानदेय के लिए अतिथि शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो डबल मानदेय का क्या फ़ायदा, ठीक है फ्रेंड्स। और अतिथि शिक्षकों को अभी भी 4 या 5 माह से मानदेय नहीं दिया गया। बहुत सी जगह पर डबल मानदेय तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन 4-5 माह से मानदेय नहीं मिला। तो अतिथि शिक्षकों ने मानदेय को लेकर, नियमितीकरण को लेकर और सरकार ने जो घोषणा की थी उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई सरकार से इनका जल्द जल्द नियमितीकरण किया जाए और 4 या 5 महीने का मानदेय नहीं मिला है उनको मानदेय दिया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और नेशनल मीडिया ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। NDTMP न्यूज है, इनने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात की। तो अब वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को संभाल रहे हजारों अतिथि शिक्षक सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था कि उनको अव्यवस्थाओं के भंवर से निकाला जाएगा, तनख्वाह दोगुनी की जाएगी, लेकिन घोषणा के बाद 4 महीने से दोगुना तो छोड़िए रेगुलर वेतन भी नहीं मिल रहा है। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया। पांच महीने पहले नितेश रघुवंशी खुश थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री का वायदा मिला था, अब बस इंतजार है। भोपाल के पंछी नगर के सरदार पटेल सरकारी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। 7,000 मानदेय था, सोचा था दोगुना मिलेगा। हालात ये हैं कि 7,000 भी 4 महीने से नहीं मिले। पोर्टल पर नजर आता था कि मानदेय के लिए जो हमारे डेज लॉक होते थे, जो हमारी सैलरीज लॉक होती थी, किंतु वर्तमान में तो अभी ये जब से पेमेंट डबल हुई है तब से तो आज तक इन्हें हम जैसे संकुल में पता करते हैं तो वो बताते हैं कि हमने लॉक कर दिया अपने स्तर पर, पर आज तक पोर्टल पे भी वो शो नहीं हो रहा है। जैसे हम परिवार लेके साथ में रहते हैं, अब जब 4-4 और 5-5 महीने से अगर मानदेय ना मिले तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं भाई। मकान हम किराए से लेके रह रहे हैं, मकान मालिक 4 महीने वेट नहीं कर सकता। मानदेय अगर मिल जाता तो हमें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तिथियों पर ही रोक क्यों लगी है वेतन पर, उन्हीं को क्यों नहीं मिल रहा? उनसे ही काम करवाया जा रहा है, सभी को वेतन मिल रहा है, सिर्फ अतिथियों को नहीं मिल रहा। 5वां महीना लग गया है, हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हमारा परिवार का गुजर हम कैसे कर रहे हैं? हमारा भी परिवार है, हम भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार हमसे काम बराबर ले रही है, टाइम पे स्कूल बुला रही है, टाइम पे काम करवा रही है, लेकिन वेतन नहीं दे रही है। बोला था वेतन वृद्धि करेंगे, वृद्धि तो ठीक है, वो पुराना वेतन ही हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। राज्य में 72,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं, स्कूली शिक्षा का जिम्मा लगभग यही उठाते हैं। आरोप है इनकी दिक्कत कोई नहीं समझता। लगभग 15 से 16 वर्षों तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का वैसे भी हाल बुरा है। बहुत ही कम मानदेय पर वो स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और काम से अलग होते होते भी अपने आप को असुरक्षित मानते आ रहे हैं। बावजूद इसके 15-16 साल तक BJP कांग्रेस की सरकार रही, अब तक कोई भी फायदा अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। एकजुटता का परिचय देकर सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करे, वरना सरकार आने वाले लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतेगी। सरकार कह रही है जल्दी समाधान होगा, वहीं विपक्ष का आरोप है कि ब्रांडिंग से फुर्सत मिले तब सरकार शिक्षकों की सुध लेगी। भाजपा जब से आई है, मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग में लगे, शिवराज की तरह झंडे बैनर पोस्टर में खर्च माँ हो रहा है। उनको अगर मानदेय की बात है तो पोस्टर के बजाय उन बहनों का ध्यान रखना चाहिए, उनको मानदेय। किसी भी योजना में कई वर्ग परेशान है, सतत संपर्क में है, तो इनको ब्रांडिंग से फुर्सत तो मिले। मैंने जब अपना टेक ओवर किया स्कूली शिक्षा विभाग को, हम लोगों ने बात की थी, इसमें उनके सैलरी को लेकर वित्त विभाग से कुछ आपत्ति लगी थी, उसके निराकरण में हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं ACS फाइनेंस जो है मनीष सिंह जी, उनसे बात की है और बहुत जल्दी हम उनका भुगतान करा। विधानसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर उनके मानदेय को 2 गुना करने का वादा किया गया था। 4 महीने बीत चुके हैं, 2 गुना तो छोड़िए पुराना वाला रेगुलर मानदेय भी नहीं मिल रहा। अतिथि शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल शिक्षा मंत्री के दर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
कैमरा साथी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।